तो रायपुर में आज भी कचरा कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। दलदल सिवनी के पास सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मियों ने कचरा गाड़ी को खड़ा करके विरोध प्रदर्शन किया है। स्टाफ के साथ बदतमीजी से सफाई कर्मी नाराज हैं और बदतमीजी करने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सफाई कर्मी अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने अपनी कचरा गाड़ी को लेकर खड़ा कर दिया है। कहीं से भी कचरा उठाया नहीं गया है। नारेबाजी भी इस दौरान की गई है। जिन्होंने बदतमीजी की उस पर कार्रवाई की जाए। बीते दिनों से सफाई कर्मचारी जो है प्रोटेस्ट पर हैं और आज सफाई कर्मी के प्रोटेस्ट का दूसरा दिन है और इस वक्त सैकड़ों की संख्या में दलदल सिवनी के पास सफाई कर्मी अपनी गाड़ी खड़ी करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ मामला है, इनके प्रोटेस्ट की क्या कुछ वजह है और क्या कुछ इनकी मांग है, सीधे इन्हीं से जानते हैं। क्या कुछ मामला है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इन लोग क्या करते हैं मैम, की धमकी देते हैं कि निकाल देंगे, ऐसा कर देंगे वैसे। हम लोग अपने हिसाब से जैसे सुपरवाइजर लोग बोलते थे काम करते थे, और जैसे कभी कभी लेट हो जाता था उस कारण कि जो हमारे आदरणीय चार्ज ही है ना, वो हम लोग को बोल देते थे कि तुम लोग जाओ, नहीं है नौकरी वोकरी वहाँ कर लो ऐसा वैसा। और शुरू से हम लोग कम से कम स्टार्टिंग 5-6 साल हो ही गया है वहीं, हाँ वो मतलब स्टार्टिंग से कर रहे हैं हम लोग। और इन लोग क्या सोचते हैं कि पुराने को निकाल के नया भरेंगे और ऊपर से और कमीशन जो भी पैसा वैसा ले के इन लोग अंदर कर दे रहे हैं, और पुराने लोग को जो भी जैसे भी मतलब कुछ गलती निकाल के बाहर कर दे। मारपीट का आरोप आप लोग लगाए थे, किसके साथ मारपीट हुई है? मेरे साथ हुआ था। क्या कुछ पूरा मामला बताइए? मैं कचरा कलेक्ट करने के लिए उनके घर के पास गया था मैम, कचरा कलेक्ट करने का स्टार्ट किया। 10 से 15 मिनट तक मैं वहाँ पे खड़ा था। मैं उनके घर के लेडीज लोग हैं, वो कचरा ला के दिए। उनके बाद मैं थोड़ा दूर आगे गया, उनके बाद वो लड़का ना माँ बहन को गाली देते हुए आया और सीधा बाल नोच के हाथापाई करने का स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा और क्या कुछ मांगे आप? खाली मुद्दा तो ये है, पेमेंट नहीं बढ़ रहा है। हम लोग का 6 साल हो गया काम करते करते, आज तक हम लोग का पेमेंट नहीं बढ़ा है। पेमेंट बढ़ाओ। और पेमेंट बढ़ने के लिए हम लोग हड़ताल और कर रहे हैं जल्दी से जल्दी। अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होती तो आगे आप लोग क्या करेंगे? पेमेंट बढ़ेगा तभी काम करेंगे हम लोग। कितने लोग हैं अभी यहाँ पर? यहाँ 800-900 है करीब। 800-900 वर्कर है। तो देखिए, सफाई कर्मी जो है अपने ऊपर बदतमीजी का आरोप आम लोगों पर लगाए हैं और उनका कहना है कि सफाई कर्मी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मानिए कि राजधानी रायपुर में आज भी कचरा गाड़ी जो है वो घरों पर नहीं पहुंचेगी। कैमरा पर्सन इमरान तनु वर्मा हमारे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तनु, आपने तो जो बातचीत की है वो हमने दर्शकों को दिखाई है, इन तमाम सफाई कर्मियों से मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, वो फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल, देखिए सफाई कर्मी जो है मंगलवार यानी बीते दिनों से प्रोटेस्ट पर है और आज उनके हड़ताल का दूसरा दिन है। और आज राजधानी के दलदल सिवनी इलाके में करीब 800 से 900 सफाई कर्मी जो है गाड़ी खड़ी करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यानी आज भी कई घरों में कचरा गाड़ी जो है वो नहीं पहुंच पाया है। और जब हमने सफाई कर्मियों से बातचीत की तो सफाई कर्मियों का आरोप था कि जब किसी के घर पे वो कचरा कलेक्ट करने गए थे तो वहाँ उनके स्टाफ के साथ जो है बदतमीजी की गई थी, और इस बदतमीजी को लेकर ही सफाई कर्मी जो है वो नाराज चल रहे हैं। और जिस व्यक्ति के द्वारा ये बदतमीजी की गई थी उस पर कार्रवाई की मांग जो है सफाई कर्मी कर रहे हैं। इसके साथ ही वेतन वृद्धि समेत और भी कई उनकी मांगे हैं। जैसे उनका कहना है कि लगभग पिछले 6 साल से उनके पेमेंट में जो है वृद्धि नहीं हुई है और जब तक उनकी ये जो तमाम मांगे हैं वो पूरी नहीं होगी वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। फिलहाल अभी महापौर एजाज ढेबर जो है सफाई कर्मियों से मुलाकात करने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे हैं और इसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आगे सफाई कर्मियों का ये जो प्रोटेस्ट है वो कौन सा रुख जो है वो तय करता है। बहुत शुक्रिया तनु आपका इस पूरी जानकारी के लिए।